दुदाली ना, ये बहुत ट्रेडिशनल कोंकणी डिश है। बहुत सालों से हम इसे बना रहे हैं और फराली है। जी हाँ, हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और कलर भी बढ़ जाएगा और बहुत फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। बस 3-4 इंग्रेडिएंट ही काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा। वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं फराली रोज़ हलवा। जी हाँ, फराली डिश है, फराली स्वीट डिश है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। वैसे तो ये ट्रेडिशनल कोंकणी डिश है, इसे दुदाली बोलते हैं, मंगलोर में भी बनाई जाती है। तो हमने जो ओरिजिनल डिश है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है और एक फ्लेवर इसमें रोज़ का फ्लेवर ऐड किया है। तो टू स्टार्ट विथ, यहाँ पर पैन में मैंने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम या फिर फुल फैट दूध या फिर मिल्क। तो ये ठंडा मिल्क है, मैंने गरम कर कर नहीं लिया, रूम टेम्परेचर पर ही है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप अरारूट का पाउडर। जी हाँ, और 1/4 कप चीनी। चीनी अब मैं कम डाल रही हूँ, उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ। अब ये सब है ना, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब गैस करना है स्टार्ट और ये लगातार चलाते हुए हमें तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना बन जाए। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो एक 7 से 8 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, हल्का हल्का इसे ग्लेज भी आना स्टार्ट हो चुका है। ये ना लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। ज़्यादा समय तो नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में हो जाता है। तो इसे लगातार चलाते रहना है और अगर बीच में छोड़ा ना तो वो नीचे से जल भी सकता है, तो इसीलिए कंटिन्यूस इसे मिक्स कर लेना है। अब ये ना एकदम से गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच घी। घी डालना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप रोज सिरप। अगर आपको चाहिए तो रोज इसेंस डालकर इसमें रेड या फिर पिंक कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रोज सिरप डाली। रोज सिरप का टेस्ट है ना बहुत अच्छे से आ जाता है इस हलवे में। तब इसे कंटिन्यूस से स्टर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, मैं लगातार इसे चला रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये पैन के साइड से ना छोड़ना स्टार्ट किया है इसने। तो अब क्या करना है, ये थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब लेंगे एक टिन। तो ये यहाँ पर 8x8 इंच टिन मैंने लिया है। इसे बेस में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे और अब ये मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और ये स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। एक बार है ना ये ट्रे अच्छे से टैप कर लेना है और इसके ऊपर जाएगा पिस्ताशियो। आपको चाहिए आप थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स होते हैं ना, वो भी इससे उससे भी ये गार्निश कर सकते हैं। और अब ये कम से कम 4 से 5 घंटा अच्छे से सेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, ये फराली हलवा या फिर फराली मिठाई रोज बर्फी बनकर तैयार है, अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप ये कट कर सकते हैं। चलिए, अब ये निकाल कर चेक करते हैं। लवली, देखिए कितने बढ़िया से सेट हुई है बर्फी और कलर टेक्सचर सुपर्ब आया है। और एक पीस निकाल लेते हैं। ऑसम, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। और ये रोज़ सिरप हमने इसमें डाला है ना,
तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद बहुत अलग ही आता है, बहुत टेस्टी बन जाती है। रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। मधुराज रेसिपी।